आप सभी लोग देख रहे होंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो चुनाव हुए थे उसका एक तरह से रिजल्ट आ चुका है, और ट्रंप जो है ये हार चुके हैं, और जो बाइडेन या जिन्हें आप लोग उच्चारण करके कह देते हैं जो बिडेन, ये सत्ता में आ चुके हैं। और एक बात और याद रखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो जो बिडेन, ठीक है, जो बाइडेन या, और डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के थे, रिपब्लिक पार्टी के, और ट्रंप साहब 45वें राष्ट्रपति थे, और आपके जो बाइडन साहब 46वें राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, 46वें राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर हमारे लिए क्या फायदा है, भारत के लिए क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए के चुनाव दुनिया भर पर प्रभाव डालते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, पूरी दुनिया पर। और भारत के बारे में तो हम लोग वैसे भी, याद रखिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन अमेरिका की सत्ता पर बैठ रहा है, कौन काबिज कर रहा है, एक तरह से उसके हाथ में आ रही है सत्ता। एक बार आप लोग यूएसए को और अपने भारत को मैप्स में देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में आप जाएंगे तो ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें आपके पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद आप देखेंगे म्यांमार के बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर आपका चाइना हो गया, और नीचे बांग्ला, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसे ही आप लोग जाएंगे इस तरफ तो अमेरिकी महाद्वीप में जाइए, उत्तरी महाद्वीप में, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी वॉशिंगटन, ये है आपकी राजधानी, वॉशिंगटन राजधानी इसकी, ठीक है। एक बात और आपको बताऊंगा, हमारे अभी आपने देखा है मोदी साहब ने कुछ, मोदी साहब को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाचा ही आने वाले हैं एक तरह से सत्ता में, उसलिए आपने देखा है कि वहां मोदी साहब वहां गए, अमेरिका गए, तो ह्यूस्टन में काफी चर्चा रही। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि मोदी मोदी सरकार, फिर से मोदी, इसी तरह एक नारा वहां भी लग रहा था कि फिर से ट्रंप सरकार, ट्रंप शासन। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है जहां तक, फिर आपने देखा है गुजरात में नमस्ते ट्रंप भी हुआ है। एक वही बात है कि आप देखते होंगे कि जब मान लीजिए 4 साल में एक बार पति पत्नी में लड़ाई होती है, और मालूम है कि उनमें फिर आगे जाके एक तरह से समझौता हो जाएगा, इसमें बीच में आप कौन पड़े, और आप क्या करें कि या तो पति का पक्ष ले लें या पत्नी का, इसमें नुकसान किसका है, आगे आपको मालूम थोड़ी है कि घर का जो भी निर्णय होंगे वो किसके हाथ में जाएंगे, हो सकता है पत्नी के हाथ में चले जाएं, हो सकता है पति के हाथ में चले जाएं, तो उस समय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक न्यूट्रल, यानी कि एक आप सामान्य तरीके से आप सोचिए कि आप बैलेंस बनाकर उनका समझौता करवा सकते हैं। आप कहें कि एक का पक्ष ले लें, दूसरे को आप नीचा दिखा दें, ये आपके लिए आने वाले समय में नुकसान करा सकते हैं। यही अमेरिका सत्ता पर, हमें किसी की भी आंतरिक जो भी अंदर राजनीति चल रही है उसमें किसी भी देश के में साथ नहीं देना चाहिए। ऐसा ही हमने देखा है श्रीलंका के मामले में देखा है, हम किसी और का सपोर्ट कर रहे थे और सत्ता में कोई और आया, इसका हमें आगे नुकसान देखने को मिलता है। क्योंकि आप सोचिए, आप ही सोच लीजिए कि आप किसी और का साथ दे रहे हैं, वो हार जाता है चुनाव में, तो वो क्या जो जीता है, जो आप जिसके आप विरोधी थे, क्या वो आपके साथ रहेगा, थोड़ी बहुत तो नफरत करेगा। खैर छोड़िए, अब देखिए ज्यादा प्रभाव कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एक बार सत्ता हाथ में आती है तो सब शिकवे गिलवे जो भी होते हैं भुला दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन को शुभकामनाएं दी, और बराक ओबामा ओबामा के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी पूर्व भूमिका में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण और अमूल्य भूमिका को याद किया है। इस राजनीतिक बदलाव की पृष्ठभूमि भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, और क्योंकि यहाँ जहाँ भारत को जो बिडेन की सत्ता के आ जाने से कई मुद्दों पर भारतीय अमेरिकी संबंधों के प्रगाढ़ होने की आशंका है, तो वहीं कुछ चिंता के विषय भी शामिल है, यानी कि दो हाथ में दोनों में लड्डू हैं, एक में थोड़ा खराब है, एक में आप कहिए सही है, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से ये हाल भी है। चलिए तो हम बात करते हैं 1970 के दशक में सेनेटर के रूप में जो बिडेन भारत अमेरिका संबंधों के प्रबल समर्थक रहे थे, ये अच्छी बात है आपके लिए, भारत के लिए।
पर आपने देखा होगा कि पोखरण परमाणु परीक्षण के कारण वर्ष 2001 में भारत के खिलाफ एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने के लिए जो बिडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पत्र लिखा था, यानी कि इस समय भी इन्होंने भारत का पक्ष लिया था, एक तरह से भारत का साथ दिया था। जो बिडेन 2008 में भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते के प्रस्तावक होने के साथ साथ निश्चित रूप से इसकी सफलता की महत्वपूर्ण कड़ी भी थे, तो 2008 में भी इन्होंने हमारा साथ दिया। 2006 की एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में जो बिडेन ने कहा था कि मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया के दो निकटतम राष्ट्र भारत और अमेरिका बने। इस समय तक भी आपको भारत एक तरह से इनके भारत के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और एक आपने नाम सुना होगा उपराष्ट्रपति पर पद पर रही है कमला, एक तरह से याद रखिए क्या है कि इनका ये मामला है कि भारतीय मूल की है, लेकिन इसमें यह भी है कि ये कई जगह भारत का पक्ष भी नहीं लेते हैं। जो हिंदू मुस्लिम की राष्ट्रपति वो होती है ना राजनीति, इसमें एक बात हमेशा याद रखिए इससे दूर है, एक तरह से क्या है दूर है, इसलिए दूर है क्योंकि आप देखेंगे कि ये इस तरह के मामले में इंटरफेयर नहीं है, मतलब सोचती हैं कि सब एक रहे, एक तरफ से इस तरह की कोई वो ना रहे। ठीक है, कमला हैरिस समझते हैं आप लोग, यही है वो। भारत और अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो भारत अमेरिका संबंध राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के तहत लगातार बेहतर हुए, यानी कि ऊंचाइयों पर गए हैं। बिडेन प्रशासन के निश्चित रूप से भारत को एक प्रमुख वैश्विक भागीदार के रूप में देखेगा और इससे आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को और गहरा करने की उम्मीद की जा सकती है। आप लोग देखते होंगे यहाँ आपने देखा बिडेन या बाइडेन प्रशासन और हमारे यहाँ क्या लिख दिया जाता है मोदी सरकार। ये आप कभी भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कभी भी इसका नाम का यूज मत किया करिएगा, सरकार का, भारत सरकार होती है ना कि मोदी सरकार। मोदी 5 साल बाद 10 साल बाद हट जाएंगे, तो भारत सरकार हमेशा नाम रहता है लेकिन मोदी प्रशासन रहता है, आप मोदी प्रशासन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ साफ साफ आपका प्रयोग किया गया बिडेन प्रशासन, यहां भी उपयोग कर सकते थे ये लोग भी बिडेन सरकार। जो बिडेन ने इंडिया वेस्ट अखबार में लिखा था कि बिडेन हैरिस प्रशासन ओबामा बिडेन प्रशासन की तरह भारत के साथ संबंधों में महान प्रगति का निर्माण करेंगे। जो बिडेन ने कहा है कि अमेरिका और भारत आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे और शांति और स्थिरता के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध D- हो गए हैं, भारत के साथ यह सकारात्मकता पर आधारित है और पाकिस्तान के साथ इसमें नकारात्मकताएं हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, विश्व की राजनीति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा है WHO से अमेरिका बाहर निकला, आपने देखा है पेरिस जलवायु संधि से भी बाहर हुआ है अमेरिका, तो उसमें भी अब वापसी होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था, कई बार सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं दोनों देशों के संबंध के विकास में संभावित चुनौतियां कहां कहां हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स कहां हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत के संदर्भ में मानवाधिकार के मुद्दे पर मौन रहा है, जबकि जो बिडेन मानवाधिकार के संदर्भ में भारत के प्रति कठोर दृष्टि रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह की हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठते हैं, मानव अधिकारों के मुद्दे उठते हैं, तो प्रशासन जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन था इस चुप रहता था, इसने कभी भारत के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन बिडेन साहब वही आदमी है जो इस तरह के मुद्दों पर कठोर रहते हैं। कश्मीर के मुद्दे को भी लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि आप देखेंगे कि जो बिडेन का कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण एवं टिप्पणी भारतीय अमेरिकी संबंधों के बीच चुनौती प्रस्तुत करेगी, क्योंकि इन्होंने विरोध किया था। जो बिडेन का प्रशासन संभवतः डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के विपरीत चीन के प्रति कठोर दृष्टि नहीं रखेगा। अभी आप देखते थे कि 21-11 की क्या कहते हैं उसे टक्कर चल रही थी अमेरिका और चीन में, लेकिन इसमें भी आप सुधार देखने को मिलेगा, और ईरान जो एक तरह से आपकी नीति है उसमें भी यहां देखने को सुधार मिलेगा, जिसके कारण भारत चीन सीमा
और हिंद महासागर समेत दक्षिण चीन सागर में चुनौती बढ़ सकती है। और याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत जो बिडेन का भारत में सीए जैसे विधेयक के प्रति दृष्टिकोण अलग है, जो कि गतिरोध का एक बिंदु हो सकता है। इस पर भी एक तरह से ये पक्ष में नहीं, इसके विरोध में। दोनों देशों के संबंध में अगर विकास की संभावनाओं की अगर हम बात करें, तो दोनों देशों के बीच सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करने की उम्मीद जताई जा रही है। H-1B जैसे मामलों में जो बिडेन ने भारतीय लोगों के हित में फैसला लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही जो बिडेन के चुनावी घोषणा पत्र में ग्रीन कार्ड होल्डर को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान भी था, जिसका लाभ भारतीय लोगों को मिलेगा, जो काम करने के लिए एक तरह से वहां जाते हैं उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो बिडेन ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाने की दिशा में सक्रिय समर्थन का आश्वासन दिया है, जो भारतीय दावेदारी को और मजबूत करेगा। आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोगों ने बात की थी, आपके जो भी राष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, सबको कवर कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनाई हुई है, अगर कोई आपको लगता है कि छूटा है तो आप बताइए, उसे भी हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो आप सुनते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में परिवर्तन करने की बात की जाती है, यानी कि हमें भी शामिल करने की बात, हमें भी होना चाहिए इसमें शामिल। जो बिडेन के चुनाव प्रचार अभियान के अनुसार आतंकवाद से लड़ाई में भारत अमेरिकी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा, इससे भारतीय आतंक विरोधी मुहिम को और मजबूत होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका ज्यादा निकट आएंगे, क्योंकि जो जो बिडेन ने यह घोषणा की है कि जिस दिन वह सत्ता में आएंगे फिर से वह पेरिस समझौते को अपनाएंगे। ये भी अच्छी बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में जो बिडेन के आने से जहां कई मामलों में समर्थन हासिल होने की उम्मीद है, तो वहीं चुनौतियां भी विद्यमान है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारतीय नीति निर्माताओं को भारतीय अमेरिकी संबंधों को वर्तमान बदलाव के परिप्रेक्ष्य में समायोजित करना होगा, और यहां से सीख भी लेनी चाहिए हमारी सरकार को एक तरह से, कि हमें किसी के मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है चुनाव में। ये आप सोचिए कि एक क्लियर नहीं है कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो चुनाव में जीते। और मैंने हमेशा कहा है कि ट्रम्प बहुत मतलबी इंसान था, एक तरह से उसे चुनाव मतलब जीतना था, इसलिए आपके गुजरात आया हुआ था। वरना आप सोचिए 5 साल 4 साल पहले, क्यों 4 साल से नहीं आ पाए। और आपने देखा है कि भारतीय मूल के वहां लोग रहते हैं बहुत सारे, तो उन्हें भी एक तरह से आप सोचिए कि सपोर्ट चाहिए थे उसका। तो हमें बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए मामलों में, समझ रहे हैं, हमें कई जगह हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, और हमें अपनी दैनिक जीवनचर्या में भी इस तरह की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यही कहानी है आपकी, जो महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए पीटी में भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, और जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध लिखेंगे आप किसी देश अमेरिका और भारत के भी संबंध, तब भी आप इन आंकड़ों को डाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पूरे। और आप सभी जानते हैं कि वही क्वेश्चंस आता है जो एक तरह से काफी चर्चा में रहता है। ठीक है,